अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर मैथ्स का चैप्टर थ्री रोमन न्यूमरल्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। रोमन न्यूमरल्स क्या होती है? जो हम लोग नंबर पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये कहलाती है हिंदू अरेबिक। और ऐसे ही हमने कभी देखा होगा घड़ी में या बुक्स में इस तरीके की नंबर होती है, देखिए, जिसमें ये आई बने होते हैं और वी बने होते हैं, एक्स बने होते हैं, एल होते हैं। इस तरीके की जो ये नंबर्स होती हैं ये रोमन नंबर कहलाती हैं। तो ये किस तरीके से होती हैं, देखिए, वन के लिए आई, एक सिंगल आई इस्तेमाल होता है, टेन के लिए एक्स इस्तेमाल होता है, हंड्रेड के लिए सी, एम के लिए 1000, वी 5 के लिए इस्तेमाल होता है, एल 50 के लिए और डी 500 के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी जो नंबर्स हैं वो बहुत आसान होती है। यहाँ देखिए आप, ये वन के लिए वन सिंगल आई है, टू के लिए टू आई है, थ्री के लिए थ्री आई है, फोर और फाइव के लिए देखिए वी है, और उसके पहले जो फोर है उसके पहले हम आई और वी लगा देते हैं और बाद में वी और आई कर देते हैं। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, फाइव के लिए वी है और फोर के लिए वी के पहले आई लगा है और सिक्स के लिए वी के बाद आई लगा है। ठीक है, इसको समझ लीजिए आप, आई वी यानी फोर, वी यानी फाइव और वी आई यानी सिक्स। अब इसके बाद वी के बाद दो आई कर देंगे तो सेवन हो जाएगा, तीन आई कर देंगे तो एट, फिर इसके बाद आप नाइन छोड़कर जाइए टेन पर, टेन यानी होता है एक्स। अब एक्स के पहले देखिए नाइन में पहले आई लगा है, पहले आई लगा है मतलब नाइन होगा और बाद में आई लगा है मतलब इलेवन होगा। तो देखिए अब नाइन टेन इलेवन, आई एक्स नाइन, एक्स टेन और एक्स आई इलेवन, जैसा ये 4, 5, 6 में था वैसे ही 9, 10, 11 में भी है। ऐसे ही आपका 14, 15, 16 में भी होगा। 15 यानी 10 के लिए क्या आ गया, x आ गया, और 5 के लिए क्या आ गया, v आ गया, x भी हो गया। अब v के पहले हम 4 यानी iv होता है, तो ये देखिए x के साथ 10 के साथ iv यानी 4 लगा दिया हमने, 14 हो गया, और बाद में देखिए x के साथ vi यानी 6 लगा दिया 10 के साथ, ये 16 हो गया। एक्स वी डबल आई 17 हो गया, एक्स वी ट्रिपल आई 8, जैसा 8 लिखते हैं वैसे 8 लिखना है 10 के साथ में। अब देखिए 20 पे जाइए आप, 20 यानी 10 और 10 तो यानी दो बार एक्स आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। 50 देखिए आप, 50 यानी एल, अब एल के पहले यानी 40, 10 50 के पहले 40 आएगा, 40 यानी कब आएगा, जब 50 में से 10 कम हो जाएंगे, तो एक्स को पहले लगा देंगे मतलब 10 कम हो गया एल में से, एल लिखा हमने और एल के पहले एक्स लिख दिया, माने एल में से 10 कम यानी 40 हो गया और एल में 10 ज्यादा यानी 60 हो गया। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, देखिए यहाँ पर जैसा 5, 6, 7 में था वैसे 40, 50 और 60 में भी है। तो ये आपका देखिए 19 में क्या जाएगा, एक्स आई एक्स, 20 में एक्स एक्स और 30, 30 में क्या हो जाएगा, 3 10 हो जाएंगे तो एक्स 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 तीन बार लिख देंगे, 40 में एक्स और एल यानी 50 में 10 कम, 50 एल यानी 50, 60 एल एक्स यानी 50 के साथ 10 और 70, 70 में एल के साथ 2 10, 2 10 हो जाएंगे एल एक्स एक्स, 80 में 3 10 हो जाएंगे, ये आ गया एल यानी 50, फिर ये 10 10 और ये 10 यानी 80 हो गया। अब आएंगे हम 100 पर, 100 यानी होता है C, तो 90 कैसे लिखेंगे, C से यानी 100 से 10 कम, तो X को पहले लिख देंगे, पहले लिखा है मतलब कम की बात हो रही है, 10 कम 100 में, इस तरीके से 500 यानी D और 1000 यानी M होता है, बहुत इजी है। यहाँ पर भी देखिए आप, ये 1 यानी 1 लिखा है, 2 यानी 1 प्लस 1 और 3 यानी ये हो गया, इस तरीके से सारे नंबर। और यहाँ देखिए आगे दिया हुआ है नंबर, जैसे 200 यानी डबल सी यानी दो बार सी सी हो जाएगा, एक बार 100 है, 100 यानी सी, 200 यानी 2 सी और 300 यानी 3 सी हो जाएगा। और इस तरीके से देखिए 300, 3000 के लिए एम एम एम, 1000 1000 1000, 2000 के लिए 2 mm, तो ये बहुत ईजी, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, बाकी बहुत आसान है। सब्ट्रैक्शन जैसे मैंने अभी बताया ऊपर कि पहले अगर आई लिखा हुआ है मतलब 5 में से i को 1 को माइनस करना है आपको, 5 माइनस 1 यानी 4 हो जाएगा ये, बाद में लिखा है तो प्लस करना है, जैसे vi यानी 6 हो जाता है। यहाँ देखिए आप 9 कैसे लिखेंगे, हम 10 में से 1 को माइनस करेंगे यानी पहले लिखेंगे हम 1 को, 1 माइनस 10 यानी 1 कम 10 में से। इस तरीके से 40 कैसे लिखेंगे हम, 1 10 कम 50 में से, 10 माइनस 50। 90 कैसे लिखेंगे, 100 में से 10 कम, तो ये 10 कम 100 में से। इस तरीके से 900 कैसे लिखेंगे, 1000 में से 100 कम, m में से c को माइनस करेंगे, 90 में c में से x को माइनस करेंगे। थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है, बहुत इजी बन जाएगा। चलिए और देखते हैं हम एग्जांपल टू, मेक रोमन 6 के लिए क्या करेंगे हम, v में प्लस i, 15 बनाने के लिए 10 और 5 एक्स वी 15, 60 के लिए L और X यानी 50 और 10 यानी LX, 150 के लिए क्या जाएगा, 100 जाएगा और उसमें 50 जोड़ देंगे तो CL हो जाएगा, 600 में क्या हो जाएगा, पहले 500 यानी D और प्लस C यानी 100, DC यानी 600 यानी ये 500 और ये 100।
चलिए यहाँ पर जी कुछ टिप्स दिया हुआ है. वन इज सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम वी एंड एक्स, आई वी एंड आई एक्स. वन कहाँ कहाँ सब्ट्रैक्ट किया जाता है, वी एन फोर चार के लिए, फाइव में से वन माइनस करेंगे और टेन में से वन माइनस करते हैं. इस तरीके से हंड्रेड वगैरह में भी ऐसा ही होता है. जीरो सिंबल नहीं होता इसमें, रोमन सिस्टम में कहीं भी जीरो नहीं होता है. और प्लेस वैल्यू आर नॉट यूज्ड इन रोमन सिस्टम, रोमन सिस्टम में प्लेस वैल्यू यूज नहीं की जाती है. तो जो हम लोग नंबर यूज करते हैं इसे क्या कहते हैं हम, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स 10, 20, 30, 40, 50. और उसी को अगर हम इस तरीके से लिखेंगे, जैसे 10 के बदले x, 20 के बदले डबल x, 30 ट्रिपल x, 50 यानी l, और 40 कैसे लिखेंगे, 50 में से 10 कम, और 60 कैसे लिखेंगे, 50 में 10 ज्यादा, 70 में क्या लिखेंगे, 50 के साथ दो 10 और लगा देंगे, 80 में 50 के साथ तीन 10 लगा देंगे, 100 यानी c होता है, और 90 कैसे लिखेंगे, c यानी 100 में से 10 कम, x c. बहुत इजी है. नेक्स्ट देखिए आप 25 कैसे लिखेंगे, 20 के लिए दो 10 आ जाएंगे और 5 के लिए भी आ जाएगा, तो x x v आ जाएगा. 37 कैसे लिखेंगे, 30 के लिए तीन 10 आ जाएंगे, x x x, और 7 के लिए 5 के साथ 2 प्लस आता है, 7 के लिए क्या आता है 5 और उसके साथ प्लस 2, तो ये हो गया x x x v और डबल i, x x x v डबल i. ये 37 के लिए इतना बड़ा लिखना पड़ेगा हमको. इसी तरीके 69 के लिए l x i x, और 88 के लिए l ट्रिपल x v ट्रिपल i. थोड़ी सी मेहनत करेंगे आप तो बन जाएगा. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं हम 3.1. इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग. 3 के लिए ये 3 आ गया, 4 ये 6 के लिए वी आई, 9 के लिए आई एक्स, 14 के लिए एक्स आई वी, 90 के लिए एक्स सी आ गया. राइट हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग, 5 वी के लिए 5 आ गया, वी ट्रिपल 8 यानी 8 हो गया, x के लिए 10 हो गया, ये 19 है, 21, 24, 36, 88. इस तरीके से देखिए यहाँ पर क्रॉस करना है जो नंबर नहीं है, तो 4 टाइम्स i, चार बार i नहीं होता है, आई एल भी नहीं होता है, एक्स एक्स भी होता है, इसका मतलब 25 है, एक्स डी नहीं होता, एक्स एक्स आई एक्स 29 होता है, वी वी ये नहीं होता है कोई नंबर, और वी डबल आई यानी 7 होता है, एल डी कोई नंबर नहीं होता. नेक्स्ट है फिर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, देखिए 14 कैसे लिखा जाता है एक्स आई वी, 60 के लिए 50 और 10 यानी एल और एक्स, 50 हो गया एल और एक्स 10, 90 इज रिटन एज 90 कैसे लिखेंगे, 100 और उससे 10 कम यानी सी और उसके पहले एक्स, ये एक्स ही हो गया. ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.